मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 कार्यक्रम के अनुसार जिलों की चारों विधानसभाओं में 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान संपन्न कराने के लिए कलेक्टर अरविंद दुबे के निर्देश के अनुसार चारों विधानसभाओं में मतदान दलों को सामग्री प्रदान की गई है और मतदान केंद्रों के लिए रवाना भी किया गया है। मतदान केंद्रों पर पहुंचने पर मतदान दलों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सांची विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को बसों के माध्यम से मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय रायसेन पहुंचकर मतदान सामग्री वितरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान दलों से संवाद कर उन्हें निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल, सांची विधानसभा की रिटर्निंग अधिकारी अंजू पवन भदौरिया भी उपस्थित रही। अभी हम जहां खड़े हुए हैं वहां पर मतदान के उपरांत जो हमारे मतदान दल हैं वो अपनी मतपेटियां और जो सारी सामग्री हैं ईवीएम इत्यादि वो यहां जमा करेंगे। उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं और व्यवस्थाएं इस तरह से की गई हैं कि अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं हर विधानसभा क्षेत्र के लिए और एक काउंटर में औसतन 30 से 35 मतदान केंद्रों का सामान जमा हुआ। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जैसे कि आयोग के निर्देश हैं कि जो ईवीएम्स हैं उनको त्रिस्तरीय जो सिक्योरिटी की जो लेयर है उसमें रखा जाए, वो पूरी तैयारियां हैं और यह कोशिश की जा रही है कि हमारे मतदान दल जो लगभग 2 दिन फील्ड में रहने के बाद मतदान करा के लौटेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र उनके लिए जो उनकी सामग्री है यहाँ जमा हो जाए और फिर वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जा सकें। सुरक्षा जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं और इस आधार पे हमें हर जगह पोलिंग स्टेशन में क्या बल लगना है, काउंटिंग सेंटर पे क्या बल लगना है, वो सारे निर्देश ऑलरेडी दिए गए हैं और हमें तकरीबन 11 कंपनी का फोर्स मतलब 1100 आर्म फोर्स मिला है सेंट्रल पैरामिलिट्री का और करीब 1000 के आसपास होमगार्ड और हमारे लोकल 1000 पुलिस और SPO जो कलेक्टर साहब के आदेश से बनते हैं वो भी 2000 करीब तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोग सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं। पुलिस जो इलेक्शन प्रक्रिया को निर्बाध रूप से शांति रूप से आप इस जगह काउंटिंग सेंटर पे भी खड़े हैं, इसका भी कोई प्रभारी हमारे एडिशनल SP साहब भी रहेंगे जबकि पोलिंग पार्टी वगैरह आएंगे और इसके साथ जगह जगह पर जो भी मानक के आधार पर क्रिटिकलिटी के आधार पर हर जगह जहाँ पर CAPF की जरूरत है CAPF की, डिस्ट्रिक्ट फोर्स की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट फोर्स की, होमगार्ड की, SPO की, सबकी व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने बताया मैं बता रहा हूँ कि करीब 7000 के आसपास का पूरा फोर्स पुलिस का अमला लगा हुआ है। ऐसा रहना चाहिए।